Good morning, dear children. This is our moral values class. In our last class, we had read the chapter Two Silly Friends. So today we will discuss about friendship. Why friends are necessary for us? Why do we all need friends? What do the friends do for us? How can we stay best friends forever? These all things we will talk about today. Right? Now we all know that we all need friends. Why? Why is it so? Why do we need friends? It is so because friends make us laugh. We all laugh with our friends. Isn't it? Life without friends is very boring. अगर आपके पास फ्रेंड्स नहीं है तो आपकी लाइफ बहुत बोरिंग हो जाती है. सो यू ऑल नीड फ्रेंड्स. विद फ्रेंड्स वी फील कंफर्टेबल, वी फील कॉन्फिडेंट, वी फील सिक्योर. अगर आपके पास फ्रेंड्स हैं तो आपको लगता है कि आपको और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, है ना. यू फील कंफर्टेबल एंड यू फील हैप्पी ऑल्सो, राइट. विद फ्रेंड्स यू सेलिब्रेट योर स्पेशल डेज. फ्रेंड्स के साथ आप स्पेशल डेज सेलिब्रेट करते हैं, जैसे अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, फेस्टिवल्स लाइक दिवाली, होली, दे ऑल आर गुड ओनली वेन यू हैव फ्रेंड्स. यू ऑल इंजॉय देम ओनली वेन यू हैव फ्रेंड्स, इज़न्ट इट. देन यू शेयर योर फूड विद योर फ्रेंड्स, यू सेलिब्रेट विद योर फ्रेंड्स, यू पार्टी विद योर फ्रेंड्स, इज़न्ट इट. फ्रेंड्स के बिना पार्टी हो सकती है? कभी नहीं, राइट. सो यू हैव पार्टीज ओनली वेन यू हैव फ्रेंड्स. यू शेयर योर ईटेबल्स विद देम, योर कैंडीज विद देम, इज़न्ट इट. अगर आपके पास कैंडी नहीं है और आपके पास कैंडी है और आपके पास फ्रेंड के पास नहीं है तो आप क्या करते हैं? अपनी कैंडी अपने फ्रेंड को दे देते हैं, इज़न्ट इट. इट हेल्प्स टू मेक योर बॉन्ड स्ट्रॉन्गर. देन गुड फ्रेंड्स शेयर स्टोरीज विद ईच अदर. दे रीड स्टोरी बुक्स टुगेदर. दे लव टू रीड स्टोरी बुक्स टुगेदर. स्टोरीज को इकट्ठा इंजॉय करते हैं, मज़ा आता है, इज़न्ट इट, राइट. गुड फ्रेंड्स ऑल्सो हेल्प ईच अदर इन स्टडी. आप इकट्ठे बैठकर पढ़ाई भी करते हैं, मिलकर पढ़ते हैं और एक दूसरे की हेल्प करते हैं. अगर आपको अच्छे से समझ आते हैं, आपके फ्रेंड को नहीं आते हैं, तो यू कैन हेल्प हिम और हर आउट, इज़न्ट इट. आप हेल्प कर सकते हैं, आप उन्हें समझा सकते हैं कि ये काम ऐसे होता है, फाइन. देन यू लव टू लिसन टू म्यूजिक विद योर फ्रेंड्स. म्यूजिक अकेले सुनना भी सबको बड़ा पसंद होता है, लेकिन जब आप फ्रेंड्स के साथ सुनते हैं तो वो और भी मस्ती करते हैं, और भी मज़ा आता है ना. सो यू लव टू लिसन टू म्यूजिक, यू लव टू डांस विद योर फ्रेंड्स. जब भी कोई पार्टीज होती हैं या आपका मूड अच्छा होता है तो आप लोग म्यूजिक प्ले करके अपने फ्रेंड्स के साथ डांस करना भी पसंद करते हो. दिस मेक्स यू हैप्पी, यू एंजॉय द मोमेंट्स, फाइन. यू प्ले विद योर फ्रेंड्स. गेम्स अकेले खेलने में मज़ा आता है. अगर आप अकेले बाहर जाकर क्रिकेट खेलें या फुटबॉल खेलें तो खेल पाएंगे? नो. और मज़ा भी नहीं आता, इज़न्ट इट. यू नीड योर फ्रेंड्स फॉर दैट. आप अपने ब्रदर सिस्टर्स के साथ भी खेलते हो और वो भी आपके फ्रेंड्स ही हो जाते हैं ना. मामा पापा भी आपके फ्रेंड्स होते हैं जब वो आपके साथ खेलते हैं. सो यू कैन प्ले लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ गेम्स विद योर फ्रेंड्स. बहुत सारी गेम्स हैं, इंडोर गेम्स, आउटडोर गेम्स, ऑल द गेम्स दैट यू कैन प्ले विद योर फ्रेंड्स. तो आजकल मोबाइल पर जो आप खेलते हैं, मोबाइल पर गेम्स मत खेलिए, दिस स्पॉइल्स योर आईज. अपने फ्रेंड्स के साथ खेलिए, एंजॉय विद योर फ्रेंड्स. लुक एट दिस पिक्चर्स, दे आर ऑल सो हैप्पी व्हेन दे आर विद योर फ्रेंड्स. यू ऑल्सो फील हैप्पी विद योर फ्रेंड्स. यू कैन एंजॉय एवरीथिंग. आप धूप में हो, छाया में हो, कहीं भी हो, यू कैन एंजॉय विद योर फ्रेंड्स. यू शेयर योर थिंग्स विद योर फ्रेंड्स. योर पेंसिल्स, आपका फ्रेंड की पेंसिल टूट गई है या वो लेकर नहीं आया है. इन द क्लास ऑल्सो यू शेयर योर थिंग्स, यू गिव योर पेंसिल टू योर फ्रेंड, इज़न्ट इट. इफ़ योर फ्रेंड हैज नॉट ब्रॉट द कलर्स और इफ़ यू हैव नॉट ब्रॉट द कलर्स, योर फ्रेंड कैन गिव यू द कलर्स. यू कैन शेयर द कलर्स टुगेदर, राइट. आप जब मिलकर इस तरह से शेयर करेंगे चीज़ों को तो प्यार भी बढ़ेगा, एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ेगी और आप लोगों को इकट्ठे काम करने में मज़ा भी आएगा, फाइन. व्हेन यू आर नॉट फीलिंग गुड, यू आर नॉट फीलिंग हैप्पी, यू आर इन सोरो. अगर आपको कोई दुख है, आप रो रहे हो या कुछ है, योर फ्रेंड ऑलवेज कम्फर्ट्स यू. आपका फ्रेंड आकर आपको चुप कराएगा, प्यार करेगा, है ना. तो आपका दुख जो है वो दूर हो जाता है, राइट.
यू शेयर सीक्रेट्स विद योर फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स के साथ आप सीक्रेट शेयर करते हैं। देखिए कान में उसके कुछ विस्पर कर रही है, धीरे से कुछ बोल रही है, वी डोंट इवन नो कि वो क्या बोल रही है, इजंट इट। सो यू ऑलवेज शेयर सीक्रेट्स विद योर फ्रेंड्स, जो आप किसी और को बातें बताना पसंद नहीं करते हो अपने फ्रेंड्स को बताते हो, है ना। इफ यू आर नॉट वेल योर फ्रेंड विल केयर फॉर यू, इफ योर फ्रेंड इज नॉट वेल यू शुड केयर फॉर योर फ्रेंड। एक दूसरे की मदद करना, एक दूसरे का ध्यान रखना, दिस इज फ्रेंडशिप, राइट। सिर्फ मस्ती करना ही नहीं, दुख सुख में साथ देना भी फ्रेंडशिप है। योर फ्रेंड्स लव यू अनकंडीशनली, आपके फ्रेंड्स जो हैं आपको प्यार करते हैं बेहद, बिना किसी कंडीशन के। ऐसा नहीं कि तुम मुझे प्यार करोगे, तुम मेरी हेल्प करोगे तभी मैं तुम्हारी करूँगा, नहीं। दिस इज नॉट फ्रेंडशिप। इफ यू आर फ्रेंड्स यू शुड हेल्प ईच अदर, राइट। फ्रेंड्स एक दूसरे की हेल्प करते हैं प्रॉब्लम्स के अंदर, डिफिकल्ट सिचुएशंस में। जस्ट लाइक इन दिस पिक्चर यू कैन सी दे आर क्लाइंबिंग अ माउंटेन, वन कैन क्लाइंब इजली द अदर कैन नॉट, सो द अदर इज हेल्पिंग द फ्रेंड आउट, है ना। जो नहीं चढ़ पा रहा है पहाड़ पर, दूसरा उसकी हेल्प कर रहा है। नाउ व्हाट यू शुड नॉट डू टू योर फ्रेंड्स, यू शुड नेवर येल एट योर फ्रेंड्स। आपको कभी अपने फ्रेंड्स के ऊपर चिल्लाना नहीं चाहिए, दिस इज वेरी बैड। अगर आप अपने फ्रेंड्स के ऊपर चिल्लाते हैं तो ये बहुत गंदी बात है। अगर आपको गुस्सा आ रहा है किसी बात पे तो उस गुस्से को कंट्रोल करना सीखिए। यू शुड नेवर फाइट विद योर फ्रेंड्स। हमने बहुत बार देखा है छोटी छोटी बातों पे आप लोग लड़ पड़ते हैं, जैसे आपने स्टोरी में भी देखा था टू सिली फ्रेंड्स में, दे वर फाइटिंग ओवर स्मॉल थिंग्स, दिस इज नॉट गुड। फ्रेंड्स ऐसे नहीं होते हैं जो छोटी छोटी बातों पे रोने लग जाएं या लड़ने लग जाएं। एंड इफ ड्यू टू सम रीजन योर फ्रेंड इज एंग्री विद यू, अगर आपका फ्रेंड आपसे नाराज है तो आपको अपने फ्रेंड को मना लेना चाहिए, प्यार से बातें करके, है ना, उसको मनाना चाहिए। बेस्ट फ्रेंड्स ऑलवेज स्टे टुगेदर। बेस्ट फ्रेंड्स वो होते हैं जो हमेशा इकट्ठे रहते हैं, लड़ाई नहीं करते हैं, छोटी छोटी बातों पे नाराज नहीं होते हैं, एक दूसरे की बात को समझते हैं। सो आई होप नाउ यू विल नॉट फाइट विद योर फ्रेंड्स, यू विल ऑलवेज लव योर फ्रेंड्स।